आज पांचवें हफ्ते के पहले दिन अपनी ऑनलाइन क्लासेस के साथ फिर हम मौजूद हैं। गुज़िश्ता दिनों में हमने नंबर्स के हवाले से, यूनिट नंबर वन में नंबर्स के हवाले से जो बातें सीखी हैं, इसकी लास्ट हमारी जो क्लास थी उसमें हमने इनको समराइज करके आपको बताया था। और इन सारी बातों की फर्दर प्रैक्टिस के लिए हम एक्सरसाइज नंबर 1.1 में क्वेश्चन नंबर 1 और 2 कर चुके थे। आज हम उसके मजीद सवाल करेंगे। बेटा आप अपनी किताब का सफ़ा नंबर 36 पेज नंबर 36 खोल लीजिए। क्वेश्चन नंबर 3, रीड द फॉलोइंग नंबर्स एंड राइट देम इन डिजिट्स। इंग्लिश लैंग्वेज में कुछ नंबर दिए गए हैं और अल्हम्दुलिल्लाह आप वर्ड्स में और डिजिट्स में, फिगर्स में आप काउंटिंग सीख चुके हैं 1 से लेके 100 तक। फर्स्ट वन इज़ डन फॉर यू, 46 देख सकते हैं आप। आपको एग्जाम्पल के तौर पे एक क्वेश्चन सॉल्व करके दिया गया है, 46 डिजिट में लिखा गया है। यूनिट प्लेस की जगह 6 है, टेंस की जगह 4 है। नेक्स्ट है 54, आप जानते हैं 5 टेंस 5 यूनिट 54। इस तरह मज़ीद जो है ठीक है बेटा, इस तरह मज़ीद जो काम है वो आप ख़ुद से करेंगे। 76 76 76 100 100 में 1 00 100 होता है, 1 आपका 100 के कॉलम में जाएगा और टेंस के कॉलम में 0, यूनिट के कॉलम में 0। 12 1 to 12 आप जानते हैं, 33 आप जानते हैं, 33 33। ये काम आपको ख़ुद से मुकम्मल करना है। क्वेश्चन नंबर 4, रीड द फॉलोइंग नंबर्स एंड राइट देम इन वर्ड्स। देखें क्वेश्चन नंबर 3 में आपके पास जो था नंबर्स वर्ड में मौजूद थे, ठीक है, और आपने उसको डिजिट्स में लिखा था। अब डिजिट्स में काम मौजूद है, फिगर में काम मौजूद है, और आप उसको किस में लिखेंगे, आप इंग्लिश लैंग्वेज में लिखेंगे। द फर्स्ट वन इज़ डन फॉर यू, 79 और स्पेलिंग 79 की लिखी गई। 38 आप इसी तरह से, आपको 38 की स्पेलिंग हमने याद करवाई है बेटा, THIRTY 30-NEIGHT 8 ओके। नेक्स्ट इज 99, इसकी स्पेलिंग भी आपको आती है। 20 86 44, ये सारा काम बेटा हम कर चुके हैं। उम्मीद है आपने अच्छी तरह उसकी तैयारी की होगी, आप ख़ुद से ये काम बखिया मुकम्मल करेंगे। राइट द फॉलोइंग, राइट डाउन द नंबर्स बिटवीन हमने सिखाया था ना बेटा, बिटवीन 45 एंड 53। 45 और 53 के दरमियान में जो नंबर आते हैं वो लिखने हैं। दरमियान में क्या आता है बेटा 45 के बाद, 46 47 48 49 50 51 52, और फिर क्या आ जाता है बेटा 53। क्योंकि दोनों के बिटवीन कहा गया है तो 45 और 53 को नहीं लिखा जाएगा, ठीक है बेटा, उसके बीच में जितने नंबर्स आते हैं वो लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6, राइट डाउन द नंबर्स ग्रेटर देन 89 एंड लेस देन 100। ग्रेटर याद है, ये सिंबल हमने यूज़ किया था, ग्रेटर देन 89 एंड लेस देन। लेस देन का कौन सा सिंबल था बेटा, ये वाला सिंबल था, याद आ गया आपको, 100 से छोटे और 89 से बड़े। 89 से बड़ा कौन सा होगा बेटा, 90, और इसी तरह खुद आप लिखेंगे 91 92 93 94 95 96 97 99 एंड अच्छा 100 नहीं लिखेंगे क्योंकि 100 से
छोटा नंबर की बात की गई, तो 90 से लेके 99 तक के नंबर्स में इसका आंसर होंगे। पेज नंबर 37 पे हमारे पास गलती से ये टाइपोज आ गया है, क्वेश्चन नंबर 3 नहीं है, इसको बेटा सही कर लीजिए। ये क्वेश्चन नंबर 7 है। Here are the arrangements of some objects. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 14 items मौजूद हैं आपके पास, ठीक है? क्या क्या आइटम है? Book, lamp, pen, rose, cap, cat, sun, mango, flag, orange, star, kite, bat and ball. इन तमाम आइटम्स को ऑर्डिनल नंबर्स में मेंशन किया गया, याद आया बेटा? हमने दो चीज़ें पढ़ी थी, कार्डिनल नंबर और ऑर्डिनल नंबर। जब हम 1, 2, 3, 4, 5, 6 काउंटिंग पढ़ते हैं, इट इज़ कॉल्ड द कार्डिनल नंबर्स। उसकी क्वांटिटी के हिसाब से गिनती करते हैं तो वो हैं कार्डिनल नंबर्स, और जब हम उसकी तरतीब के हिसाब से काउंटिंग करते हैं, ऑर्डर के हिसाब से करते हैं, तो वो कहलाती है ऑर्डिनल नंबर। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, इंग्लिश में कहेंगे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन, एट, नाइन, टेन, इलेवन, ट्वेल्व, थर्टीन एंड फोर्टीन। वन से लेके 14 तक तो चीज़ों को नंबरिंग दी गई है। फर्स्ट इज बुक, सेकंड इज लैम्प, थर्ड इज पेन, फोर्थ इज रोज, फिफ्थ इज कैप, सिक्स इज कैट, सेवन्थ इज सन, एट्थ इज मैंगो, नाइन्थ इज फ्लैग, 10th is orange, 11th is star, 12th is kite, 13th is bat and 14th is ball. अब आपके इसके मुतालिक सवाल क्या है? Now help the उमदा, काट दीजिए बेटा, ये typos आ गया है, ठीक है? Now help उमर to write their positions again. जो position है उसकी उसकी पोजीशन का नंबर लिखना है। फॉर एग्जांपल एक मैं कर देती हूँ, द पिक्चर ऑफ, व्हाट इज द पिक्चर, व्हाट इज दिस इन द पिक्चर, या इट्स अ पिक्चर ऑफ मैंगो एंड देयर इज मैंगो स्टैंड्स ऑन एट्थ पोजीशन। पिक्चर के हिसाब से आपको उसकी पोजीशन लिखनी है, समझ आ गई बात बेटा? नेक्स्ट पिक्चर इज अबाउट, यस यू कैन सी व्हाट इज दिस, yeah, this is sun and sun is on 7th position. You have to write down its position. Like that you have to complete the question, beta. It's all about exercise number 1.1. You must put the date also. Achha, uske baad jo agla kaam hai, ye hum aapko homework mein de rahe hain. There is the counting from 1 till 100. आपने असेंडिंग ऑर्डर पढ़ा था ना बेटा, फॉरवर्ड काउंटिंग, तो इसको आप खुद से मुकम्मल करेंगे। 1 से लेकर 10 तक आपको दिया गया है, आप इसको 100 तक कंप्लीट करेंगे, ठीक है? ये आपका होमवर्क है। आ जाइए बोर्ड पे, कल जब हमारी दूसरी क्लास शुरू होगी बेटा, तो आप पेज नंबर 36, 37 और 38 पे दिया गया काम मुकम्मल करके सुबह इसी तरह मैथ्स क्लास में मौजूद होंगे। उम्मीद करती हूँ आपको तमाम चीज़ें समझ आ गई होंगी। कल तक के लिए खुदा हाफिज़।